Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। एनआरसी के मुद्दे पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई की तरह हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे को काफी आक्रामक तौर पर उठा रही हैं और लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी बीच बीजेपी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें पिछले कुछ समय में बंगाल में हुई घटनाओं को दिखाया गया है। वीडियो के अंत में बीजेपी ने लिखा है कि बंगाल के लिए चिंता करने की जरूरत है। साथ ही आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को काबू रखने में नाकाम रही हैं। असम के एनआरसी मुद्दे पर मचे सियासी घमासान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जानकारी दी कि एनआरसी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। इस मामले में जो लोग छूट गए हैं उनके खिलाफ अभी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये 40 लाख परिवार नहीं है बल्कि व्यक्तियों की संख्या है। गृह मंत्री ने साफ किया कि एनआरसी में कोई भेदभाव न तो हुआ है और न ही किया जाएगा। जिसे एनआरसी में नाम जुड़वाना है उसे सर्टिफिकेट पेश करना होगा। एनआरसी को लेकर हम शांति और सौहार्द बनाकर रखेंगे। 1971 से पहले के दस्तावेज दिखाने पर एनआरसी में नाम आ जाएगा। मामले में अनावश्यक डर फैलाने की कोशिश की गई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को अमर सिंह ने खारिज कर दिया है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करेंगे। अमर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये पूरे देश में बुआ और बबुआ की जोड़ी के खिलाफ मोदी और योगी के लिए आक्रामक प्रचार करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश में बसे भारतीयों से मोदी सरकार के जुड़ाव की तारीफ करते हुए पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। तीन मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर रवाना हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सबसे पहले कजाकिस्तान पहुंची। यहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर यूपीए 2 के पीएम मनमोहन सिंह तक किसी ने भी विदेश में जाकर भारतीय समुदाय से उस तरह बात नहीं की जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राजधानी अस्थाना में गर्मजोशी से हुए स्वागत से गदगद सुषमा स्वराज ने कजाकिस्तान के लोगों की जमकर तारीफ की। सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट भेजने के कॉलेजियम के फैसले को मान लिया है। इस तरह से पिछले लंबे समय से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच चला आ रहा टकराव खत्म हो गया है। सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी है। एनआरसी ड्राफ्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम जारी है। नई दिल्ली में राज्यसभा की कार्यवाही ठप है तो वहीं कोलकाता और असम में टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हो रही है। देर रात ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 6 सांसदों और 2 विधायकों को असम के सिलचर एयरपोर्ट पर कथित तौर पर हिरासत में ले लिया गया जिसके बाद सांसद एयरपोर्ट पर ही धरना देने लगे। पार्टी ने कहा कि ये लोग एनआरसी के अंतिम मसौदे के जारी होने के बाद असम में स्थिति का जायजा लेने वहां गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि राहुल के इस ट्वीट को इशारों में भाजपा पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल ने अपने ट्वीट में लेखक मुंशी प्रेमचंद के एक आलेख को भी हिस्सा दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर संतों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। श्री राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भाजपा सरकार जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकार कर बिल ला सकती है तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी बिल क्यों नहीं पास कराती। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। बिहार में जेडीयू के विधायक बीमा भारती के बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बीमा भारती के बेटे दीपक के शव को कब्जे में ले लिया और छानबीन जारी कर दी। हालांकि बीमा भारती का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। रेलवे एसपी ने जानकारी दी कि घटना की हत्या और आत्महत्या दोनों के हिसाब से जांच की जा रही है।
दिल्ली में रहने वालों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बेहद अहम खबर आई है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस साल 572 ठेलों के पानी का सैंपल लिया, जिसमें से एक भी सैंपल पानी के पीने के लायक नहीं दिखाई दिया। NDMC ही उत्तरी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के पानी से होने वाली बीमारियों के लिए जवाबदेह संस्था है। ऐसे में अगर आप भी ठेले से खरीद कर पानी पीते हैं तो आप इन्फेक्शन के खतरे के बारे में जरूर जानें। असम में NRC ड्राफ्ट जारी होने के बाद लोगों में डर का माहौल है। इसी बीच आने वाला 7 अगस्त असम के लोगों के लिए रेड लेटर डे साबित होने वाला है, क्योंकि इसी दिन से 40 लाख लोग 2500 NRC सेवा केंद्र में जाकर ये जान सकेंगे कि उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अगस्त से शुरू होने वाले NRC क्लेम में कई लोगों को राहत मिल सकती है, तो वहीं कई बड़ी हस्तियों पर गाज गिर सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इससे पहले सुबह हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, जिसके बाद से सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर एक और आतंकी को अपने हत्थे चढ़ा लिया। मारे गए आतंकियों में बीटेक छात्र खुर्शीद अहमद मलिक भी शामिल है, जिसने कुछ दिनों पहले ही आतंक का रास्ता अपनाया था। वहीं दूसरा आतंकी सोपोर का रहने वाला था। खुर्शीद कुछ दिन पहले ही अपने घर से गायब हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने इस बात की सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उसने आतंक का संगठन थाम लिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को अब सात्विक खाना परोसा जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी अब मधुबन फूड्स ने अपने हाथों में ली है। ये योजना लाखों तीर्थयात्रियों को सात्विक खाने के अनोखे अनुभव के साथ भारत, नेपाल और चीन के बीच एक मजबूत गठजोड़ तैयार करेगी। इस योजना के लिए एसोसिएशन ऑफ कैलाश टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रकाश श्रेष्ठ ने मधुबन फूड्स के प्रबंध निदेशक सुमित प्रताप गुप्ता के साथ हाथ मिलाया है। बैंकिंग घोटाले के आरोपी और भगौड़े मेहुल चौकसी को नागरिकता देने पर एंटीगुआ सरकार ने सफाई दी है कि भारत सरकार ने भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद ही उसे नागरिकता दी गई है। एंटीगुआ ने साफ किया कि भारत सरकार से मेहुल चौकसी के खिलाफ कोई सूचना नहीं थी, यहाँ तक कि सेबी ने भी क्लीन चिट उन्हें दे दी थी। अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव स्टारर फिल्म फन्ने खां आज रिलीज हो गई है। फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। फिल्म को अभी क्रिटिक्स से मिला जुला रेस्पॉन्स मिला है। देखना खास होगा कि अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय जैसे सितारे कितने दर्शकों को इस औसत कहानी की ओर खींच पाते हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देशी नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।